आई इंडिया का यह कार्यक्रम कलम के धनी व ग्रामीण भारत की सहज छवि को अपने शब्दों में ढालकर अमृत देने वाली महान आत्मा मुंशी प्रेमचंद को समर्पित है। आइए सुनते हैं ख्यातिलब्ध रचनाकारों की कविताओं को। आज शुरुआत करेंगे हम आई इंडिया के मंच से हास्य व्यंग के नामचीन कवि विकास सिंह बौखल और सामाजिक चेतना के रचनाकार संदीप मिश्र सरस तथा बस्ती की वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर शिवा त्रिपाठी की कविताओं से। ये बारिश यूं नहीं आती, ये बारिश यूं नहीं आती, किसी का दर्द जब आँखों से हो करके उमड़ता है, किसी का दर्द जब आँखों से हो करके उमड़ता है, कोई बिरही बिरह की आग में जब जब तड़पता है, कोई बिरही बिरह की आग में जब जब तड़पता है, तभी बादल घुमड़ते हैं नयन की पुतलियों में, तभी बादल घुमड़ते हैं नयन की पुतलियों में, ठहर कर एक पल को सोचते हैं और फिर धीरे से रिश्ते हैं, ठहर कर एक पल को सोचते हैं और फिर धीरे से रिश्ते हैं, और उन्हीं तड़पन की बूंदों को जहां बारिश समझता है, उन्हीं तड़पन की बूंदों को जहां बारिश समझता है, ये बारिश यूं नहीं आती, ये बारिश यूं नहीं आती। और कुछ मुक्तक सुनिएगा कि हमारे दरमियाँ अब हम नहीं है, हमारे दरमियाँ अब हम नहीं है, मेरा विश्वास फिर भी कम नहीं है, मेरा विश्वास फिर भी कम नहीं है, ये बदला वक्त ही यह तय करेगा, ये बदला वक्त ही यह तय करेगा, मेरा विश्वास फिर भी कम नहीं है, मेरा विश्वास फिर भी कम नहीं है, हमारे दरमियाँ अब हम नहीं है। सफर में पांव के छालों की बात भी करिए, सफर में पांव के छालों की बात भी करिए, भूखे बच्चों के निवालों की बात भी करिए, रंग महलों के जवाबों को छोड़ कर फिर से आज सड़कों के सवालों की बात भी करिए, आज सड़कों के सवालों की बात भी करिए, जिंदगी जब कभी कौड़ी की तीन होती है, जिंदगी जब कभी कौड़ी की तीन होती है, तब गरीबी की दौड़ अंतहीन होती है, पेट की भूख ने मुझसे ये छटपटा के कहा, रोटियां चांद से ज्यादा हसीन होती हैं, रोटियां चांद से ज्यादा हसीन होती हैं। और एक दृश्य देखिएगा कि भूख में जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं, भूख में जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं, वो सलीके से गरीबी संभाल लेते हैं, तुम जिन्हें ट्रेन से गंगा में फेंक देते हो, कूद जाते हैं वो सिक्के निकाल लेते हैं, कूद जाते हैं वो सिक्के निकाल लेते हैं। और एक दृश्य देखिएगा
बंद कमरों में हमें अब घुटन सी लगती है, बंद कमरों में हमें अब घुटन सी लगती है, जिंदगी शर्ट के टूटे बटन सी लगती है, फूल की चाह में कांटों को छेड़ बैठा था, मेरी उंगली में अभी तक चुभन सी लगती है, मेरी उंगली में अभी तक चुभन सी लगती है। और एक आवाहन देखिएगा आप कि हम परिंदों से है लंबी उड़ान बाकी है, अभी जुनून है पंखों में जान बाकी है, तेरे आंगन से दिखता है जो तुझे कम है, छत पे आ देख अभी आसमान बाकी है, छत पे आ देख अभी आसमान बाकी है, छत पे आ देख अभी आसमान बाकी है। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की, और सासे और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की, बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की। चार पंक्तियों सुनिएगा, हास्य के माध्यम से देशभक्ति सुनिएगा। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे, कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे, और दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे, और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। अब पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाएंगे, पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाएंगे। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को लोकगीतकार कवि जगजीवन मिश्र, श्रृंगार के सर्वाधिक प्रिय कवियों में से एक नवल सुधांशु और कवियत्री लक्ष्मी शुक्ला की रचनाओं के साथ।